अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम महकुल खान एंड आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बाद जो तीन डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न आता है लाइक एंडेमिक, बाइपोलर एंड आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो वी कैन डिफाइन दैट इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच पॉपुलेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वाइडली सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यू कैन से दैट के ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स की जिसमें एनिमल बहुत से आपको पार्ट तो मिल जाता है अर्थ के, लेकिन कुछ एरियाज में मिस होता है, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम दे देते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसको एज एन एग्जांपल लें तो आप लंग फिश को देख सकते हैं। लंग फिश के तीन जेनरा हैं, देर आर थ्री जेनराज ऑफ लंग फिश, दैट इज़ प्रोटोपटारस, लेपिडोसायरन एंड नियोसिराटस। आप देखिए तीनों जेनरा जो हैं वो लंग फिश के हैं, लेकिन तीनों जेनरा डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट रीजन्स में आपको मिलते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन जस्ट वन रीजन, सो दे आर डिसकॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम बात करें प्रोटोपटारस की तो वो जो है अफ्रीका में पाई जाती है, दैट इज़ प्रेजेंट इन इथियोपियन रीजन। एंड लेपिडोसायरन दैट इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिकन, इसीलिए इसका नाम भी साउथ अमेरिकन लंगफिश है, और ये जो है मेन रीजन नियोट्रॉपिकल में आता है। और नियोसिराटस दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन रीजन और इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम और एग्जांपल मज़ीद देखें तो आप रनिंग बर्ड्स की एग्जांपल कोट कर सकते हैं जिसमें कुछ बर्ड्स आ जाते हैं जिनमें ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच यू कैन से दैट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड जो कि इथियोपियन रीजन में मोस्टली मिलता है। उसके बाद रिया प्रेजेंट इन नियोट्रॉपिकल रीजन एंड एमू प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड एमू इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद कैसोवेरिस के बाद कीवी जो है वो न्यूजीलैंड में आपको मिलता है। देखिए बर्ड्स हैं रनिंग बर्ड, लेकिन सभी रनिंग बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स में मिल रहे हैं, तो दैट इज़ मीन दे आर डिसकॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद अगर हम मैमल्स को देखें तो मैमल में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं टेपिड पिग की, विच इज़ द काइंड ऑफ अ पिग, ठीक है। पिग जो है टेपिड पिग वो अमेरिका में पाया जाता है। राइनोसेरॉस देखें तो वह इथियोपियन और ओरिएंटल रीजन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एलिफेंट प्रेजेंट इन ओरिएंटल रीजन एंड कैमल्स जो है वो आप एशिया, अफ्रीका, यूरोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड लांबा इज़ अ काइंड ऑफ शीप, बहुत वाइट कलर की फर होती है, बहुत स्मॉल फर होती है, बहुत ब्यूटीफुल आप कह लें कि एनिमल होता है, जिसका दूसरा नाम कैमलेट भी बोलते हैं लोग। तो ऑल द मैमल्स बट दे आर डिसकॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेजेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट हम कुछ फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम फैमिलीज़ में राइनोसिरोटिडी की बात करें तो विच इज़ राइनोसिरोस, वो आप देखें कि अफ्रीका और इंडिया दोनों जगह पे आपको मिलता है, लेकिन उसके आसपास या उसके दरमियान वाले जितने भी कंट्रीज़ होंगे उनमें आप नहीं ऑब्जर्व करते, ठीक है। तो दैट मीन्स कि दे आर डिसकॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद एलिफेंट टीडी में एलिफेंट्स आ जाते हैं, और एलिफेंट्स के आपको पता है टू जेनराज होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ लॉक्सोडोंटा एंड एलिफेस इज़ अनदर जेनरा, बोथ आर एलिफेंट्स जेनरा बट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो लॉक्सोडोंटा जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि एलिफेस जो है वो इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। सो वी कैन से दैट के दे आर डिसकॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके अलावा मार्सोपियल्स जो हैं दे आर पाउच्ड मैमल्स विच केयर देयर यंग वंस ऑन देयर पाउच, ठीक है, तो वो भी डिसकॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब अगर हम बात करें रीजंस की डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन वजह की वजह से होती है, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, तो आप देखें एक्सटिंक्शन जो है यू कैन से दैट अ मेन रीजन ऑफ डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। में भी कोई एनिमल जो है वो किसी एरिया में मौजूद है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न तो उसकी एक्सटिंक्शन हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि जी अभी इस एरिया में ये एनिमल मौजूद नहीं है, सो डिसकॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये। उसके बाद अ साइंटिस्ट डार्लिंगटन जिसने सबसे पहले जो है आर्ग्यू करने की कोशिश की थी ऑन डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, उसने बाकायदा जो है टॉक बताने की कोशिश की थी कि जो है अगर डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो क्यों होती है, वट आर द रीजन्स बिहाइंड दैट। तो उसने कहा था कि अगर डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसकी तीन बड़ी मेन वजह हो सकती हैं जो कि अर्थ के चेंज होने की वजह से होती है।
अब वो कौन से चेंज थे अर्थ में? द फर्स्ट वन इज द ओशनिक आइलैंड, कि अगर कोई ओशनिक आइलैंड बनता है, ठीक है, ओशनिक आइलैंड के बनने की वजह से जो है एनिमल्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। अब ओशनिक आइलैंड क्या है? आइलैंड यू नो दैट के एक ऐसी जगह को कहा जाता है जिसके चारों अतराफ में पानी होता है, और ओशनिक आइलैंड है तो डेफिनेटली ऐसा पार्ट है ज़मीन का जो कि ओशन के अंदर से किसी भी वॉलकैनिक एक्टिविटी की वजह से ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, और एक आइलैंड की फॉर्म में उसके चारों अतराफ में पानी होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं ओशनिक आइलैंड। उसके बाद द सेकेंड रीज़न जो उसने बताने की कोशिश की, दैट वॉज कॉन्टिनेंटल आइलैंड। कॉन्टिनेंटल आइलैंड हम उन आइलैंड के लिए टर्म यूज़ करते हैं जो कि कभी ना कभी कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी उसमें कुछ चेंज आए और वो सेपरेट एक आइलैंड बन गया, तो इस वजह से जो है एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद सबमर्जेंस ऑफ लैंड मासेस, के किसी भी रीज़न की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जब अर्थ मूव करती है या उस मूवमेंट की वजह से जब लैंड मास जो है सबमर्ज कर जाती है आपस में मिल जाती है, उसके मिलने की वजह से भी जो है एनिमल्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये तीन रीज़न से जो डार्लिंगटन ने बताने की कोशिश की थी और बाकायदा जो है आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे इस पे कि इस वजह से जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर आप डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं या डिस्कस करते हैं तो आप उससे क्या सीखते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, उसकी क्या वजह है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आप देखें आपको डायनामिक प्रोसेस के बारे में पता चलता है ऑफ एनिमल्स, कि कौन सा एनिमल कहीं पे आ रहा है, कौन सा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप जो है वो आफ्टर एनालिसिस यू कैन गेट दैट। उसके बाद जो है एवोल्यूशन जो है उसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिलता है, क्योंकि जब भी आप डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी हद तक एवोल्यूशन के बारे में भी डाटा मिल जाता है। उसके बाद जो है कि डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये भी बताती है या उसमें ये भी चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे एक अर्थ में फिजिकल और केमिकल चेंजेस हुए और वो किस तरह से अफेक्ट कर गए ऑन एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल चेंजेस में जो है उसकी मॉर्फोलॉजी जो है आ जाती है अर्थ की, और केमिकल चेंजेस में जो है किस तरीके से केमिकल कंपोजिशन अर्थ की चेंज हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम और किस तरीके से उसने अफेक्ट किया ऑन एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात हो रही होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सो आपको किसी हद तक इस वीडियो ने हेल्प की होगी। इफ़ दिस वीडियो गिव यू सम हेल्प देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।